नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के। इस बार हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। मात्र 5 मिनट के इस वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की और ये दिवस हम क्यों मनाते हैं, ठीक है ना, क्या उद्देश्य है और इस वर्ष इसकी थीम क्या है। और उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की बात करेंगे जो कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर मानवता के उत्थान के लिए, देश की रक्षा के लिए ये ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं एक विशेष कथन से जो कि हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। सभी लोग जानते हैं कि जीवन का सबसे पहला सुख है निरोगी काया। और इस बात का चरित्रार्थ आज की जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने भी अभी वर्तमान में जो एक बहुत ही पैंडेमिक कोविड चल रहा था, हालांकि अभी भी चल रहा है, उसमें इस बात को भलीभूत आभास कर लिया है उसका कि किस तरह से हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि जो आने वाला दिन है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। अब 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ये मुद्दा है, ठीक है ना। तो 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई। WHO मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य एक है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कोऑर्डिनेट करे और समन्वय करे, ठीक है ना। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इस बार की थीम क्या है। तो वर्ष 2022 की जो थीम है वो है अवर प्लानेट अवर हेल्थ, मतलब हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी और हमारा स्वास्थ्य है। देखिए, कुल मिलाकर ये जो थीम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो ग्रह है उसको हम प्रदूषित नहीं करें और हम उसको क्लीन और ग्रीन बनाए रखें। आइए कुछ और चर्चा करते हैं। देखिए, WHO का जो मानना है कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष 13 मिलियन से अधिक मौतें पर्यावरणीय कारणों से होती हैं, ठीक है ना। पर्यावरण कारण जैसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, फ्यूल से होता है, पेट्रोल से होता है, कई सारी ऐसी चीजें, लोग पेड़ काटते हैं तो उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। और COVID-19 महामारी ने हमें विज्ञान की उपचार शक्ति दिखाई, ठीक है ना। इसने हमारी दुनिया में असमानताओं को भी उजागर किया। हम सभी भलीभूत भलीभांति परिचित है इस बात से, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम कहना ये चाहते हैं कि इस तरह की जब पेंडेमिक्स आती हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के साथ साथ ही हमको हमारे पर्यावरण को बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रोगों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष ऑपरेशंस की जो कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार या कुछ राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस के रूप में चलाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि हम जब भी प्राकृतिक विपदा है या संकट के समय में देश एवं राष्ट्र की रक्षा हेतु मानवता के लिए ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। देखिए, हाल ही में आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और अभी भी उनके बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो इसी बीच वहां पर, क्योंकि हमारे कुछ भारतीय स्टूडेंट थे, कुछ भारतीय नागरिक थे, उनको वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ समय पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उसके ऊपर कब्जा कर दिया, तो वहां पर भी हमारे भारतीय भाई बहन वहां पर थे, उनको निकालने के लिए, वापस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चला गया, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है ना। इसी प्रकार भारतीय थल सेना द्वारा COVID-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चला गया। तो देखिए, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में, जहां कहीं भी हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए होते हैं, आपदा में होते हैं, उनको निकाल करके वापस हिंदुस्तान लाना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा की। ये ऑपरेशन BSF द्वारा पश्चिमी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जाता है, ठीक है ना। एक ऑपरेशन सरहद है जो कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है, जो कि जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जो पश्चिमी सीमा है वहां पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन सुदर्शन। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन। ये ऑपरेशन बेसिकली केंद्र सरकार का है जो कि टमाटर, प्याज, आलू और इसके अलावा जो ऐसी फसलें हैं जो जल्दी से नष्ट हो जाती हैं, इस प्रकार की टोटल 22 फसलें सेलेक्ट की गई हैं
जब भी इन फसलों के ऊपर कोई मानसून या प्राकृतिक आपदा से ये फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन चला गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की। ये दोनों ही ऑपरेशन COVID-19 से संबंधित है। जो ऑपरेशन नमस्ते है ये भारतीय थल सेना द्वारा चला गया था। देखिए, COVID-19 के समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई और अभी भी की जाती है, तो भारतीय थल सेना का जो मुख्य उद्देश्य था, नमस्ते का मतलब है दूर से ही नमस्ते करें, आपको हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना कॉल के दौरान आपको पता है कि इसका जो सीधा असर है इस बीमारी का हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ा, तो ऑक्सीजन की बहुत डिमांड बढ़ी। तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की तेज गति से शिपमेंट हो सके उसके लिए नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु नंबर 2 चलाया गया था। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन समुद्र मैत्री द्वारा। ये ऑपरेशन एक्चुअली संकल्प जो है वो नौसेना द्वारा हमारा जो समुद्र है उसकी सुरक्षा हेतु तो खाड़ी के आसपास ये ऑपरेशन चलाया जाता है। एक है ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये भारत द्वारा जो मदद की गई इंडोनेशिया को उस समय जब वहां पर भूकंप और सुनामी आई थी। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि हम मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। अब जो लास्ट स्लाइड है मेरी, इसमें मैं कुछ चार ऑपरेशंस की बात करूंगा और ये चारों ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन थ्रस्ट। ये ऑपरेशन का मतलब है कि रेलवे में अनाधिकृत ब्रांड वाली जो पानी की बॉटल्स हैं जो बिकती हैं, उनको उनकी बिक्री को रोकने के लिए एक ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ये ऑपरेशन चलाया गया है मानव तस्करी को रोकने के लिए। ये महिलाओं और बच्चों की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए RPF द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अमानत। ये ऑपरेशन बड़ा ही रोचक ऑपरेशन है जिसमें रेलवे सुरक्षा बल ने ये क्लेम किया है कि यात्रियों का जो खोया हुआ सामान है उनको वापस मिल सके, इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया। और अंत में जो मैं बात कर रहा हूँ ये है ऑपरेशन उपलब्ध। ये बेसिकली रेलवे के अंदर जो टिकटों की दलाली है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। तो मित्रों, आई होप आपने ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको जरूर ये अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर मैं आपके लोगों के सामने इस तरह के रोचक जानकारी लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।